दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए कुछ सरप्राइज है। और खाटू श्याम जी का तो सीजन चल ही रहा है, तो उससे ही हम आपको कुछ दिखाएंगे। और ये सीकर रोड है गाइस, भवानी निकेतन कॉलेज चला गया है, पीछे छूट गया है। और मुझसे भी मिल लीजिए। जय माता दी बोलते ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हम सीकर रोड की साइड जा रहे हैं। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। खाटू श्याम जी की यात्राएं निकल रही हैं, तो यहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं गाइस। अभी आएंगे, जब पंडाल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जयपुर के अंदर खाटू श्याम जी की यात्राएं चालू हो चुकी है। और कांच में आप देख सकते हैं, नहीं दिख रही मैं, कोई बात नहीं है। और पता नहीं पंडाल अब बंद हो चुके होंगे गाइस। एक फूल होने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। और पंडाल क्लोज हो चुका है, ये छोटा पंडाल है जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी तैयार और हो रहे हैं पंडाल, बड़े बड़े पंडाल। और सरकार ने भंडारा करने के लिए मना करा हुआ है गाइस। तो थोड़ा गाड़ी धीरे ही चला लो, जिससे कि आने वाले उसमें कुछ दिखे भी, मतलब धीरे चला लो गाड़ी। और आप देख सकते हैं, मैं आपको सीकर रोड पे लेके चल रही हूँ। और ये पंडाल भी बंद हो चुका है गाइस, दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। पर मैं आपको दिखा तो रही हूँ, दिन में निकली थी यात्राएं, पर मेरे पास एक फोन नहीं था तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई गाइस। सारे पंडाल बंद हो चुके हैं। हमने सोचा था कुछ भगवान का प्रसाद हमें भी मिल जाएगा, पर नहीं मिला गाइस। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई, आज जो झंडे लेके जा रहे थे, किरण बताएगी, जो यहाँ से झंडे लेके जा रहे थे उनका आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और वो झंडा खाटू श्याम जी के ठेठ पधराया जाएगा गाइस, आप समझ सकते हैं। ये पंडाल भी बंद हो चुका है। हम जब आए थे, जब सारे पंडाल स्टार्ट थे, देखते हैं आगे और भी कुछ मिलता है क्या। और भजन भी हो रहे थे, और जगह जगह फाग के भजन हो रहे थे गाइस। और भजन सिंगर होते हुए मेरे पास अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। और इधर भी पंडाल लगा हुआ है, और ये पंडाल भी बंद हो चुका है गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सब लोग जा चुके हैं पंडाल बंद कर करके। ये वाला पंडाल देखिए, खाटू श्याम जी की तस्वीर लगी हुई है, आप दर्शन कर सकते थे। और कर लेना ब्लॉग देखो तो, वहाँ शायद इस चल्लू है पंडाल या बंद हो चुका है, पता नहीं है। यहाँ भी बंद हो चुका है गाइस। और शादी हो रही है, पता नहीं शादी है या यात्रा रुकी हुई है, पता नहीं है। आगे के पंडाल शायद खुला हुआ है गाइस, लाइट जल रही है, देखते हैं। यहाँ का पंडाल शायद ये भी क्लोज हो चुका है, ये भी क्लोज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और लोगों की भीड़ लगी हुई थी,
अभी भी क्लोज हो चुका है, क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं, एक मिनट, आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। जय खाटू श्याम बाबा की जय हो, जय हो, मैं जय हो। मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं जैसा कि आपने देखा। और दोस्तों खाटू श्याम जी कौन कौन गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रोटी भी खाती है, थोड़ा तेज तो बोला कर रहे हैं। खाटू श्याम जी के कौन कौन गया है गाइस। और आजकल विकास जैक्सन जी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कभी किस गाड़ी में कभी किस गाड़ी में, मैं उनके ब्लॉग्स देख रही हूँ। हेलो गाइस, मैंने उनके ब्लॉग्स देखे और वो उत्तराखंड घूम के आ रहे हैं और उत्तराखंड के जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनसे मिल के आ रहे हैं। अब इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया है, पर उनके ब्लॉग्स में यही देखने को मिल रहा है। तो हमारी साइड से भी बेस्ट ऑफ लक। और पंडाल यहाँ भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी दिखा, आप देख सकते हैं क्लोज तो हो चुका है। ये तो मूर्तिकार ही है, मूर्तिकार, आप देख सकते हैं। तो किरण बिस्किट लेगी, कल स्कूल बिस्किट लेके जाएगी। और इधर की साइड भी भजन हो रहे थे गाइस। और कल हमने क्या क्या खाया था, कल थोड़ी दबा जो यार, गाड़ी लेट हो रही है। गाड़ी जा रही है क्या? हेलो गाइस, गाड़ी को निकालने के लिए अब आगे जाके क्या कर लिया, पागल होना तय। एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है गाइस इमरजेंसी के लिए। और यहाँ से हम शॉपिंग करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। गुड्डा बोलियो ना, वो कोको कोला 20 वाली जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किरण और किरण के पापा जा चुके हैं। और आज मैंने चावल खा लिए थे, तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हुए कल फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।